स्टूडेंट, तो आप सभी बच्चों का हमारे एसबीआई एकेडमी रावला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हम अपना एक 10th क्लास के बच्चों के लिए एक लेक्चर लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अपने 14.2 एक्सरसाइज, ठीक है। और हमारी 14.1 एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लीट हो चुकी थी, और आज हम इसमें 14.2 एक्सरसाइज के अंदर परी के अंदर और अंत्य के अंदर के बारे में जो पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक नंबर पर बात करते हैं कि जो परी के अंदर है, एक्सरसाइज की, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, ठीक है, वो सत्य और असत्य वाले जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें ये कह रहा है कि 4.6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए, ठीक है। 4.6 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले तो हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। अब आपको ये पता होगा कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती है, समान। समबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है,
फिर आपने कोणों का क्या किया, समद विभाजन किया। कोणों का समद विभाजन करने के बाद जो दो कोणों का समद विभाजन करती हुई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी उसको आपने सेंटर मानकर एक सर्कल घुमाना है। तो ये जो है हमारा अंतर्वृत्त है, यानी क्या है ये अंतर दे रखा है उसमें ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के परिगत
बनाना है उसके बाहर। परिकृत वृत्त की रचना कीजिए, भुजाएं क्रम से 10.5 सेंटीमीटर, 12.7 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है, और बताइए इस त्रिभुज का परिकेंद्र 13 सेंटीमीटर भुजा वाली भुजा पर ही क्यों स्थित है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेना, जैसे भी ट्राइंगल आपने बनाना है, सबसे पहले आपने 13 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचनी है। ठीक है, यहाँ जो है वो 10.5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, उसके बाद ये होगी आपकी 12.7 सेंटीमीटर। ठीक है, डायग्राम बना दिया आपने ट्राइंगल, ये चाप काटने आपने ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद बाहर वर्त बनाना है, तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाओं में से दो भुजाओं का, कोई भी दो भुजाओं का समद्विभाजन कर लो। सबसे पहले आपने इस भुजा का समद्विभाजन किया, करना आते ही आपको फिर इस भुजा का समद्विभाजन किया, ये सेंटर आया, इस सेंटर को आपने केंद्र मानना है, केंद्र बनाकर एक जो है आपने सर्कल घुमा देना है इस प्रकार। ठीक है, लिखिए इसको, नेक्स्ट इसमें जो कंस्ट्रक्शन करनी है, हमें जो रचना करनी है वो इस डायग्राम को देखकर ही करनी है। ठीक है, पांच नंबर प्रश्न देखते हैं। पांच नंबर जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं कि 5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाएं वाले त्रिभुज का परिकेंद्र कहां स्थित होना चाहिए। रचना की पुष्टि के द्वारा आपको दर्शाना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लेना है। क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लेना है। ट्राइंगल बनाने के लिए आपने क्या करना है, सर्वप्रथम सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, लिया। उसके बाद पांच यहाँ पे चाप, यहाँ पर काट कर एक चाप काटना है ऐसे करके 5 सेंटीमीटर का, यहाँ एक चाप काटना है 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस भुजा का आपने समद्विभाजन करना है, इसका समद्विभाजन कर लिया, इसको सेंटर माना और बाहर से एक सर्कल घुमा दिया। ठीक है, सर्कल घुमाने के बाद आपके पास चेक करना है आपने कि परिकेंद्र कहाँ होगा बस। ठीक है, लिख लीजिए बस। नेक्स्ट जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा रहा हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन, नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें ये कहा है कि ट्रायंगल एबीसी की रचना कीजिए, जिसमें एपी 6 सेंटीमीटर है, बीसी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ कोण फिर इसने नहीं दे रखा, यहाँ पे 120 जो है वो एंगल दे रखा जो है। ठीक है, आपकी बुक में दे रखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एपी आपने एक 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है,
अंदर आपने वृत्त की रचना कर देनी है। आपको बताइए कोणों का समद्विबाजक विभाजन करना है, इस कोण का कर दिया, इस कोण का कर दिया, सेंटर मानकर अंदर एक सर्कल घुमा देना, ठीक है। और अंतः वृत्त और परिकेंद्र की आपको बस इसमें ध्यान रखना था। परिकेंद्र का मतलब भुजाओं का समद्विबाजक विभाजन, परिकेंद्र का मतलब बाहर वृत्त बनेगा, अंतर्गत का मतलब अंदर वृत्त बनेगा और कोणों का विभाजन, ठीक है। हमारी जो 14 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है आज, ठीक है। और अब हम कल के लेक्चर में बात करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है वैदिक गणित, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद फिर हम अपने 10 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर लगातार चलेंगे 10, 11, 12 और 13, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी 1 एक्सरसाइज रही होगी, एक ही एक्सरसाइज, और उसको हम करेंगे।